देख रहा हूँ कि सबसे पहले जो वहाँ पर दुलारी नाला मैंने देखा था, वहाँ पर तो आधे मिट्टी के अंश थे। मैंने वहाँ भी जो भी टेंडर मैन थे उनसे हमने बात किया है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल करें ताकि हमारे क्षेत्र में सिंचाई का काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। उसमें देखा जा रहा है कि जितने भी GM लैंड है या फिर वन भूमि क्षेत्र है वहाँ से अवैध रूप से इन लोग जो है खनन का भी काम कर रहे हैं। मैंने सीधा कहा कि आपको कंस्ट्रक्शन का जिम्मा मिला है, ना कि माइनिंग का जिम्मा। शूट करो लो ना। हेलो, अंचल अधिकारी ने केतमा में बन रहे चेक डैम निर्माण का निरीक्षण कर कहा, निम्न स्तर का मटेरियल हो रहा है प्रयोग। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के आंबा खोरिया पंचायत अंतर्गत केतमा गांव में लघु सिंचाई विभाग से गांव के किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए निर्माण कराए जा रहे 2 करोड़ से अधिक की लागत से चेक डैम निर्माण के कार्य का गुरुवार को अंचल अधिकारी ने कार्य स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सर्वप्रथम अंचल अधिकारी ने पनियाही नाला में बन रहे अलग अलग जगहों पर दोनों चेक डैम में प्रयोग किए जा रहे पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, बालू का सैंपल का जांचों किया। जांचोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि निम्न स्तर का मटेरियल ठेकेदार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दुलारी नाला में भी निम्न स्तर का मटेरियल प्रयोग किया गया है। अंचल अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में केतमा गाँव के सरकारी, रैयती और वन भूमि से पत्थरों का चेकडैम निर्माण के लिए अवैध उत्खनन भी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ठेकेदार को चेकडैम निर्माण करने के लिए अनुमति मिली है, ना कि अवैध रूप से उत्खनन करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अवैध उत्खनन का वह अंचल के अमीन व राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा मापी कर राजस्व का आंकलन करते हुए उक्त तीनों चेकडैम के संवेदक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, केतमा गांव में विधायक भानु प्रताप शाही ने 1 माह पूर्व ही 3 चेकडैम का एक ही दिन शिलान्यास किया था। इसके बाद शिकायत मिलने पर विधायक प्रतिनिधि अखिलेश यादव व राम प्रवेश प्रसाद ने स्वयं केतमा गांव में पहुंचकर चेकडैम निर्माण का भी जांच किया था। वहीं जांच के बाद उक्त दोनों विधायक प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि निम्न प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है। इधर अंचल अधिकारी ने संज्ञान लेकर तीनों चेकडैम का निरीक्षण किया तो मामला सही पाया। अनियमितता और घटिया और अवैध किस्म का पत्थर बोल्डर लगाने की जानकारी मिली थी सर? हमें मीडिया से या फिर अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायत मिली थी और उस शिकायत के आधार पर मैं क्षेत्र भ्रमण में निकला था। अभी मैं स्पॉट इंक्वायरी किया हूँ, उसमें देखा जा रहा है कि जितने भी GM लैंड है या फिर वन भूमि क्षेत्र है वहाँ से अवैध रूप से इन लोग जो है खनन का भी काम कर रहे हैं। मैंने सीधा कहा कि आपको कंस्ट्रक्शन का जिम्मा मिला है, ना कि माइनिंग का जिम्मा मिला है, और अगर माइनिंग का जिम्मा मिलना चाहिए तो उसके हिसाब से सरकार भी कॉस्ट आपको जो है कट करेगी, या फिर जो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग मुआयना किए हैं और अमीन के माध्यम से भूमि का सत्यापन कराते हुए भूमि की प्रवृत्ति कहाँ है और किस तरह की है और किधर से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसका समेकित रिपोर्ट हम लोग करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सर, आपके द्वारा अभी तीनों चेकडैम का निरीक्षण किया गया, सर गुणवत्ता पर क्या कहेंगे? सर, गुणवत्ता में मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले जो वहाँ पर दुलारी नाला मैंने देखा था, वहाँ पर तो आधे मिट्टी के अंश थे। मैंने वहाँ भी जो भी टेंडर मैन थे उनसे हमने बात किया है कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल करें ताकि हमारे क्षेत्र में सिंचाई का काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सके।